पार्टी के कौशाम्बी स्थित दफ्तर में तोड़फोड़ की खबर है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर दफ्तर में तोड़फोड़ करने के आरोप हैं। ये कार्यकर्ता कश्मीर पर प्रशांत भूषण के बयान से नाराज बताए जा रहे हैं। एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने भी जम्मू कश्मीर में प्रशांत भूषण का पुतला फूंका है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कानून मंत्री सोमनाथ भारती का बचाव करते हुए कहा कि उनकी सरकार या किसी भी मंत्री का इरादा अदालतों की गरिमा को गिराना नहीं है। केजरीवाल ने सोमनाथ भारती द्वारा न्यायाधीशों की बैठक बुलाए जाने की पहल से उत्पन्न विवाद के मद्देनजर ये बयान दिया है। उधर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष द्वारा आपकी नई सरकार के सरकारी कामकाज व नियम कानूनों की जानकारी न होने पर हल्ला बोल दिया। इस पर केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर गौर करेगी और उनकी सरकार में दूरदर्शिता की कमी हो सकती है, लेकिन इसकी मंशा शुद्ध है। कानून मंत्री सोमनाथ भारती द्वारा दिल्ली की अदालत के सभी न्यायाधीशों की बैठक आयोजित करने की पहल के बारे में विधानसभा सत्र के बाद केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और उसको आहत करने का कोई इरादा नहीं है।